हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। महिला पर्यवेक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए मैं विभाग के राज्य मद की योजनाओं में जितने बचे हुए योजनाएं हैं उन पर आज मैं वीडियो दे रहा हूं। इस वीडियो में भी चार योजना, छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना, छत्तीसगढ़ के सक्षम योजना, महिला सहायता स्व सहायता समूह गठन और छत्तीसगढ़ नारी निकेतन योजना पर हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले विभाग के राज्य मद की जितनी योजनाएं हैं मैंने दे चुके हैं वीडियो, और भी बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, जिसमें आपका महिला पर्यवेक्षक से संबंधित 2023 महिला पर्यवेक्षक 2023 से संबंधित प्लेलिस्ट को दबा के सारे वीडियो आप देख सकते हैं जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक एक योजना को हम लोग देखने का कोशिश करते हैं कि वास्तव में योजना को हमको क्या पढ़ना चाहिए और क्या देख के जाना चाहिए। तो पहला छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना। महिला कोष माने ये है महिला के पास जो पैसे हैं, तो छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना में जो ऋण प्रदान किया जाता है उससे संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व सहायता समूह को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ऋण योजना का संचालन दिनांक 15/8/2003 से किया जा रहा है। तो पहले क्वेश्चन तो हमारे सामने यही उठता है कि ये कब से किया जा रहा है, तो अपने को याद रखना 15/8/2003, 8 माने अगस्त। अब ऐसे याद करो कि महिला का जो कोष है उसका जो अस्त जो होता है तीन चीजों में होता है। एक तो होता है गहना में, दूसरा होगा साड़ी में और तीसरा होगा बच्चों में। हम ऐसे याद कर ले, मजाक में याद किया यार यहाँ पर, कि महिलाओं का जो कोष है उसका जो अस्त माने अगस्त, महिलाओं का कोष का जो अस्त है रुपए पैसे माने कोष का अस्त तीन चीजों में हो रहा है। एक साड़ी में, दूसरा हो रहा गहने में और तीसरा हो रहा बच्चों में। तो याद हो जाएगा तीन चीज, तो यह हो जाएगा 2003 और अस्त हो रहा माने अगस्त। अब 15 को याद कर लेना, तो 15/8/अगस्त इस प्रकार के याद करोगे 15/8/2003 को छत्तीसगढ़ महिला कोष के ऋण योजना लॉन्च हुई थी। छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा दिनांक 28/9/2021 से स्व सहायता समूह को ऋण सीमा वृद्धि करते हुए स्व सहायता समूह को 1 से 2 लाख रुपए तक का ऋण प्रथम बार तथा प्रथम बार प्रदत्त ऋण के सफलतापूर्वक वापसी पर 2 लाख से 4 लाख रुपए तक का ऋण द्वितीय बार में प्रदान किया जा रहा है। माने ये जो बैंक है, जो महिला ऋण से संबंधित महिला कोष से संबंधित है, ये विशेष करके महिला स्व सहायता समूह जो 10 से 20 लोगों का जो महिलाओं का जो समूह होता है, उन समूहों को जो व्यवसाय करने के लिए संगठित होती है और अपना एक संगठन बनाती है उसको स्व सहायता समूह कहते हैं। तो इन स्व सहायता समूह को ऋण प्रदान करती है पहली बार में, याद रखेंगे 1 से 2 लाख, और दूसरी बार में 2 से 4 लाख। ये जल्दी याद हो जाएगा 1 से 2 लाख और दूसरी बार में 2 से 4 लाख। योजना के तहत छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व सहायता समूह को 3%, यहां पर भी देख लेना 2003 में लॉन्च हुआ, 3% ब्याज, सब में एक चीज है कॉमन चीज, 3% बहुत कम ब्याज, 3% ब्याज पर दिया जा रहा है ये लोन। 3% साधारण वार्षिक ब्याज, वो भी वार्षिक, मासिक नहीं, वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्रथम एवं द्वितीय बार ऋण की वसूली क्रमश 24 एवं 36 किस्तों में होती है। मैंने प्रथम जो 1 लाख से 2 लाख लोगे आपको 24 किस्तों में पटाना है, और द्वितीय जो 2 से 4 लाख लोगे उसको 36 किस्तों में आपको पटा देना है। यौन उत्पीड़न एवं HIV पीड़ित योजनाओं में शासकीय चिकित्सा द्वारा प्रथम चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर आर्थिक गतिविधियों से जुड़े होने हेतु प्राथमिकता के आधार पर पात्रता की अन्य शर्तें पूर्ण करने पर ऋण प्रदान किया जा सकता है। इन महिलाओं को जो जिला प्रबंधक छत्तीसगढ़ महिला कोष के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्तावों पर जिला कलेक्टर के स्वीकृति उपरांत ₹10,000, माने शब्दों में ₹10,000 का व्यक्तिगत ऋण। देखो व्यक्तिगत, ये सामूहिक रूप ना होके HIV पीड़ित महिलाओं को जो खुद व्यवसाय करना चाहता है, व्यक्तिगत रूप से ₹10,000 आपको दिया जा रहा है, वो भी मात्र 3% साधारण ब्याज की दर पर, चक्रवृद्धि ब्याज भी नहीं, मात्र साधारण ब्याज की दर पर उपलब्ध कराया जा सकता है। इन महिलाओं के द्वारा स्व सहायता समूह गठन किया जाने पर HIV पीड़ित महिलाएं स्व सहायता समूह गठन करती, अतः 10 से 20 का ग्रुप बनाती है और स्व सहायता समूह गठन करती है, किए जाने पर ₹1 लाख तक का ऋण मात्र 3% साधारण ब्याज की दर पर स्वीकृत किया जा सकता है। इसके अलावा
यह ऋण जिला कलेक्टर का अनुमोदन से संबंधित जिला प्रबंधक प्रदान कर सकते हैं। योजना के तहत अन्य शर्तें यथावत रहती है। 2017-18 के तृतीय लिंग थर्ड जेंडर हितग्राहियों को भी इन योजनाओं का लाभ देने की पात्रता है। कब से स्टार्ट हुआ थर्ड जेंडर को, तो याद रखेंगे 2017-18 से याद ये थर्ड तृतीय लिंग अथवा थर्ड जेंडर को भी यह योजना का लाभ दिया जा रहा है। अब आ रहा छत्तीसगढ़ सक्षम योजना। छत्तीसगढ़ सक्षम योजना भी प्रायः ये भी उसी संबंधित है, लोन से संबंधित है, महिलाओं को सक्षम बनाने से संबंधित है। कब से स्टार्ट हुआ, तो छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा वर्ष 2009-10 के सक्षम योजना प्रारंभ की गई। किसने की, छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा, क्वेश्चन बनते जाएंगे। छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा ही 2009-10 में सक्षम योजना प्रारंभ किया गया, ठीक है। यहाँ पर तो हम यहाँ पर देखेंगे, अक्सर आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि भाई कब स्टार्ट की सक्षम योजना। एक तो ऋण दे रही थी महिला कोष इसको स्व सहायता समूह को देते देते अब इनको भी सक्षम योजना के तहत फिर से क्यों लोन बांट रही, क्यों, क्योंकि महिला 10 नंबर नहीं होती। आप ऐसे याद करोगे, क्योंकि महिलाएं 99% महिलाएं ऐसे करना, 99% महिला 10 नंबर नहीं होती, ईमानदार होती है, जल्दी याद हो जाएगा। तो 9-10 क्या हो जाएगा, 9 और 10 कब से स्टार्ट हुआ, 2009-10 से, ऐसे याद करोगे जल्दी याद होगा, 9-10 से सक्षम योजना प्रारंभ। इस योजना में गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन यापन करने वाली ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाएं अथवा कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलाओं को, एक क्वेश्चन बन सकता है, किनको दिया जाता है, जिनके पति की मृत्यु हो गई है, 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित जिन्होंने विवाह नहीं किया महिलाएं अथवा कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलाओं को ये ऋण दिया जाएगा। स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु आसान शर्तों पर ऋण प्रदान किया जाता है। योजना अंतर्गत विधवा, कानूनी तौर पर तलाकशुदा एवं अविवाहित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। उक्त महिलाएं उपलब्ध न होने पर, अब कंडीशन है कि ये महिलाएं हमको नहीं मिल रही है, तो उक्त महिलाएं उपलब्ध न होने पर 18 से 45 आयु वर्ग की सभी जरूरतमंद महिलाएं जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, वे योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होती है। कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलाएं ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र या पंजीकृत सामाजिक संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर भी परित्यक्ता महिलाएं को लाभान्वित किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा दिनांक 28/9/2021 से अधिकतम ऋण सीमा में वृद्धि करते हुए 40,000 रुपए के गुणांक में राशि 2 लाख तक ऋण दिया जा रहा है। पहले 1 लाख था, अब ये 2021 से वृद्धि कर दी 40,000 के गुणांक, अर्थात आपको जो ऋण मिलेगा 40 40 40 के गुणांक में 2 लाख तक मिले, मैंने 40 में किस्त बाय किस्त आपको ऋण मिलता जाएगा, 40,000 फिर 40,000 40,000 कब तक, 2 लाख तक दिया जा रहा। मात्र 3% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर, एक आसान है परसेंट आपको याद हो जाएगा, मात्र 3% ना आसान किस्तों पर ऋण प्रदान किया जा रहा। यौन उत्पीड़न, HIV पॉजिटिव और तृतीय लिंग थर्ड जेंडर हितग्राहियों को भी इन योजनाओं का लाभ लेने का पात्रता है। महिला स्व सहायता समूह का गठन, वैसे तो बहुत लंबा चैप्टर है महिला स्व सहायता समूह, वो अगले वीडियो में बता दूंगा। यहाँ पर योजनाओं से संबंधित चलेंगे, छत्तीसगढ़ योजना में महिला स्व सहायता समूह के गठन संबंधित क्या प्रावधान है, तो जिले से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार 68,071 महिलाएं, याद रखना 68,071 महिला स्व सहायता समूह गठन किया गया। क्वेश्चन बन सकता है कितने जिले में अभी जिले से प्राप्त प्रतिवेदन को से कितने स्व सहायता समूह गठन किया गया छत्तीसगढ़ में, तो 68,071 महिला स्व सहायता समूह गठन किया गया, जिनके तहत लगभग 8,03,000 माने 8,03,000 लाख 8.03 लाख महिलाएं संगठित हुई है। इन समूहों द्वारा 53.08 करोड़ रुपए की राशि बचत की गई है। प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा स्कूल, मध्यान्ह भोजन, आंगनबाड़ी पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, आंगनबाड़ी केंद्र के हितग्राहियों के लिए रेडी टू ईट एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकान के संचालन के साथ साथ विभिन्न कार्यों को कार्य किए जा रहे हैं। योजना का उद्देश्य क्या है, असंगठित ग्रामीण महिलाओं को संगठित करना, महिलाओं को समूह में छोटी छोटी बचत करने तथा छोटी छोटी जरूरतों की पूर्ति हेतु समूह में ही न्यूनतम दर पर लेन देन हेतु सक्षम बनाने में सहयोग प्रदान करना और महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण करना।
लास्ट योजना हम लोग चलते हैं छत्तीसगढ़ नारी निकेतन योजना। तो नारी निकेतन योजना किसमें, जो नारियों 16 साल से ऊपर वाली के नारियां बेसहारा हो गई है, बेघर हो गई है, उनके लिए ये योजना चलाई जा रही है। मैंने छत्तीसगढ़ महिला बाल विकास विभाग द्वारा 16 वर्ष से अधिक आयु, इसको याद रखना, 16 वर्ष से अधिक आयु की अनाथ कन्याओं, विधवा, निराश्रित, परित्यक्ता, अविवाहित माताओं, तिरस्कृत व बेसहारा समाज से प्रताड़ित महिलाओं को आश्रय व सहारा प्रदान करने तथा उन्हें निःशुल्क परिपालन, पुनर्वास तथा सामाजिक व शैक्षणिक संरक्षण हेतु शासकीय नारी निकेतनों का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश में 3 जिले में क्रमशः याद रखना कौन कौन सा, रायपुर, सरगुजा एवं दंतेवाड़ा। तो आप ऐसे याद कर लो, ये आपका छत्तीसगढ़ का नक्शा हुआ, ऐसे करके याद कर लिया हम लोग, ये आपका छत्तीसगढ़ का नक्शा हो गया। तो यहाँ पर बीच में हो गया आपका रायपुर, एक हो गया बीच में रायपुर, एक ऊपर हो गया तो ऊपर हो गया सरगुजा, सर के ऊपर ले लो, और एक बिल्कुल नीचे हो गया तो नीचे हो गया दंतेवाड़ा। 3 जगह याद रखना, एक रायपुर में, एक हो गया आपका सरगुजा में, एक हो गया दंतेवाड़ा में, माने बीच में, ऊपर और नीचे। ऐसे याद करोगे 3 नारी निकेतन आपको याद हो जाएंगे यहाँ पर। और भी याद करना था, रसद करके याद कर दो, रसद आप याद कर दो, जैसे रस राशन पानी होता ना, तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या रसद है, तो आप पहले पहले रसद, रसद करके याद कर दो, तो रसद से रायपुर आ जाएगा, रसद नहीं करना लेकिन बता रहा हूँ, रसद, रसद करके रायपुर आ जाएगा, स से सरगुजा और द से दंतेवाड़ा, इस प्रकार भी याद कर सकते हो। तो 3 जिला, यही क्वेश्चन बनता है यहाँ पर चीजों में। संस्था में इन महिलाओं में निःशुल्क आवास, भरण पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 119 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया था, और वित्तीय वर्ष 2022-23 में माह दिसंबर 2022 की स्थिति में 95 महिलाओं और 26 बच्चों को लाभान्वित किया गया था। अगर इतने बड़े स्टेट में अगर मात्र 95 महिलाएं लाभान्वित हो रही है, इसका मतलब अधिकांश महिलाओं को इसके बारे में जानकारी नहीं है, साधारण जन को इनके बारे में जानकारी नहीं है, तभी इतने कम महिलाओं को लाभान्वित हो पाई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजना अंतर्गत ₹166.40 लाख बजट में प्रावधानित किए गए। आप लोग मेरा वीडियो देखते हो, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।